बोल, बोल, बोल। हाथ जोड़ो मत बना मेरी वीडियो देना पीछे कर ले बाइक के साथ ही उठ जाएगा। आप कुछ साल साले थे गोश्त वाला ब्लॉग दे तो छुप गया कैमरा ऑन कर दिया अबे एक मैटर हो गया था आजा आ गया तू हाँ हाँ तेरी गली के बाहर हूँ वो लड़ाई हो गई थी थोड़ी उसी बंदे से। तो हेलो गाइस हेलो गाइस बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे बच्चे होंगे। तो भाई पहले तो यार ये बाल ना दिमाग खराब कर रखा है भाई। जब से मैंने कल नहाते समय शैम्पू कर लिया बालों में और भाई बार बार बाल नीचे आ जा रहे हैं बार बार कभी इधर बिखरने लग रहे हैं। मतलब यार ये भी एक वही है आफत है। ये क्या हो गया ये क्या सुन रहा हूँ मैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं अभी ड्रायर वगैरह मार के सेट करता हूँ और फिर चलते हैं इक्का के घर। भाई उसके घर थोड़ा सा मेरे को कुछ काम है वो तुम्हें आगे पता लगेगा ठीक है। चल चल पहले चलते हैं क्योंकि बिट्टू बाहर इंतजार कर रहा है। चलो लेट्स गो। तो भाई हो रही थी शाम और अब मैं और ये निकल गए घूमने। तो अभी भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया पता क्या कि ना जो इक्का था इक्का के पास जाएंगे और भाई उससे कहेंगे कि ना भाई हमारी लड़ाई हो गई है। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है अभी हमें भी नहीं पता है ठीक है। तो अभी हम निकले थे घूमने अभी चलते हैं उसके यहाँ पे फिर उसको कॉल करके बुलाएंगे बाहर। भाई आ जा आ जा वो आता है फिर देखते क्या रिएक्शन रहता है ठीक है। भाई ठीक है गाइस देखो ना कॉल है ना वीडियो में बने रहो बस देखते रहो आगे देखो तुम ठीक है। चलो तो भाई अब आ गए थे इक्का के घर के बाहर मतलब गली के बाहर। तो अब अभी मजा आएगा ना भीड़ उसे ना कॉल करके बुलाते हैं और बोलते हैं जैसा होता है ठीक है ना। तो भाई ना अब उसे कॉल मिला रहे हैं मिला नंबर है ना तेरे पे दूं ये रहा इक्का हाँ ये कॉल जा रही है भाई बेल जा रही है स्पीकर पे स्पीकर देना। हेलो हेलो क्या हाल है तू बता इक्का सुन अबे अपनी गली के बाहर आ गया। हाँ अबे एक मैटर हो गया था आजा आ गया तू हाँ हाँ तेरी गली के बाहर हूँ वो लड़ाई हो गई थी थोड़ी उसी बंदे से अभी भसड़ होके आया तभी आया हूँ अभी क्या बोल रहा है आ गया आ जा भाई यार हो गया ज़्यादा हो गया मैटर कह रहा है ना मैं आ रहा हूँ देखते हैं क्या कितनी देर में आता है अभी कॉल तो कर दिया हमने से ठीक है। तो देखते हैं अभी इंतजार करते हैं उसका। देखो भाई वो आ रहा कंगला अबे तेरा पोज देख रहा था मैं कैसा भाई चला बैठ बैठन तो हो गया लड़ाई हो गई उसी उसी बंदे से हो गई मैं तेरे को बोला नहीं था मैटर हो जाएगा अभी तो हम उसी को गुटी पकड़ के आ रहे हैं नाले हाँ नाले को बुला रहा था। चलो भाई इक्का भाई अब सपोर्ट मिल गया इक्का भाई का तो अब समझ लिया बंदे का था ऑन द स्पॉट साले चलो भाई चलो दिक्कत क्या है अभी फ्लैश जला लो भाई अंधेरा सा हो रहा है इधर इसलिए बैक कैमरा करके बनाना पड़ेगा। अरे हेलो यार मार ले फ्लैश ले भाई अब ठीक है हेलो और कुछ ले भाई तेरी भैंस की तार मैं कह रहा हूँ ब्रेक तो उसमें भी नहीं था भाई तब भी हमने रोका ना उसे अब तो ये तो खैर स्कूटी है बिट्टू एक की थोड़ी थी वो 500 में तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं 500 में तेरी एकदम ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के समझा कि नहीं समझा जमाल लगते मेरे को गाना गाना पड़ेगा कल तेरी खिचड़ी का तेरे को गाली दे रही थी मुझे नहीं बोल लेगा आंटी मैं तो लिफ्ट लेके आया हूँ गाड़ी भी मेरी नहीं है मैं तो वहां खड़ा था मुझे बैठा पकड़ के ले आएगी कौन सी गाली थी बता दो मजे लेने आया था। अब चल रहे अमित के यहाँ अब चल रहे चोको के यहाँ उस पे करते साले पे फ्रैंक इस पे तो कामयाब नहीं हो पाया समझ गया बच गया साला याद ही समझ गया था पता क्या हुआ बैक कैमरा मैंने किया ना भाई तो ना वो चल गया था क्या बोलते फ्लैश चल गया था इसकी वजह से भैंस की टांड इसे समझ गया क्या गुंडा बनेगा रे तू अब चलते हैं इक्का के चोको के यहाँ ले चल
उस पर करेंगे वाला फ्रैंक, ठीक है चलो। हेलो तू क्या बोलेगा, तू बोलू ज्यादा लड़ाई होगी मेरी, लड़ाई होगी साले ड्राइवर निकली साला उड़वाएगा भाई उड़वाएगा। अब तो भाई एक बात बोलूं, आस्की से तो बढ़िया है भाई दोस्ती करो, ठीक है वो भी दोस्तों से, ठीक है वो काम आते हैं एंड मौके पे। जैसे अभी मैंने इसको एक कॉल किया आ गए, अभी यही लड़की होती तो क्या करते भाई, तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे देव मानुस ने, है ना डायलॉग शेरी चीते ही कहते। हेलो अबे बोलो कहाँ है, अबे मैं तेरी गली के बाहर था, मेरे को लगा तू पता नहीं कहाँ है। अबे कुछ नहीं लड़ाई हो गई थी मेरी, वही तेरे को बुला रहा था। हाँ हाँ लड़ाई हो गई थी भे है गली बिट्टू गई जो गली में रहता है, हो गई थी एक बंदे से यार। अभी इक्का को भी लेके आया हूँ, तेरे को भी बुला रहा था। हैं इक्का के घर की साइड है, हम तो उधर ही थे तो आऊँ उधर ही आऊँ आ रहा हूँ उधर ही कॉल कर रहा हूँ तेरे को आके। तो भाई वो ना इसके घर की साइड है, तेरे घर की साइड है, चल रहे तेरे को तेरे घर छोड़ दूंगा फिर वहाँ से, है ना चलो। अब कहाँ है मिल गया भाई, अब चुप रहना ठीक है, ऐसे नॉर्मल शूट करियो कैमरा ऑफ करके, है ना। और भाई रियल की बात है। ये देखो तो भाई ये देखो अभी सिगरेट पी रहा था मैंने जैसे ओपन किया साला, ये देखो मेरी मत डाल दियो इसे ना पीछे कर ले बाइक के साथ ही उठ जाएगा, आवाज ही नहीं अपने घर के सामने तो आवाज ही रहेगा, तो भाई भी खड़ा है अपने साथ ही कॉल करता रह जाएगा हैं उठ जाएगा तो डाटा मार साले, आवाज ही नहीं ये बंदे बैटल को करा ले दो क्या कह रहा तो भाई अब रुक जा। तो भाई ये देखो ये बंदा विश्वास नहीं मान रहा है कि बंदा ऐसे सुनते अरे तो भाई विश्वास नहीं मान रहा है कि वहाँ कुछ साले ने गोश्त वाला व्लॉग दे तो छुप गया कैमरा ऑन करती गया 100% साला आवाज ही दे रहा था। अब बोल ले वे इसमें बोला कर इसमें बोल तो तेरी वे 100% भूल गया वहाँ 100% है तेरे अंदर ही तो आ गया था ये बताओ भाई ये बंदा गाड़ी चलाना कैसे सीखता है, 70-80 की स्पीड में गाड़ी चलाना सीखते बंदे, ये अभी बोल रहा है मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, परवाएगा आला कुत्ता बनेगा तेरे को भी लेट उठेगा देखो हैंडसम बॉय भाई जो भी है काम जैसा भी हो उसकी रिस्पेक्ट करो, मेरा तो ये कहना है ना, चाहे छोटा हो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो काम काम होता है, और काम से नाम है नाम से पैसा है, समझे मत समझो हम समझ गए। अभी तो बदमाशी में जाने वाला हूँ मेरे भाई मैं अगले संजय दत्त की ऊंची में नहीं इनने वो पिक्चर देख ली थी, कौन सी मूवी थी खन्नायक, खन्नायक जब से इसको बचपन से शौक हो गया बदमाशी का, मेरा बाप बदमाश है मैं बदमाश हूँ भाई, माए के चोदो मामो तेरा बहन के चोदो महावीर बाबला तेरा मैया खुशी की दिल की तरह ये भी रोड ऊबड़ खाबड़ है, देख रहो खुशी की दिल की तरह जैसे उसका दिल ऊबड़ खाबड़ता है ऐसी रोड है, खुशी का तुम्हें वहीं पे मिलते हैं। ये वो साला ये सामान लेने आया था तीनों खा लो एक एक तो सामान लेने आया था साला, इतनी दूर से ले आया चूतिया बना के कह रहा है कि भाई सामान लेने चल रहे साले, जामुन खाने आया था क्या इतनी दूर से, जामुन तो खरीद के आ लेते, इतना गरीब समझ रहा है क्या चल रहे बंदे भाई स्कूल से बंक मार के चढ़े हमारा सीन याद आ गया, हम भी पहले ऐसे किया था हमने कभी, मैं तो स्कूल बैठा ही पार्क में आते थे हम बंक मार के ऐसे भाई दुनिया में भी ऐसे भी चूतिया बंदे हैं, देखो मैंने इसको भेजा था कि भाई जाके ना ब्रेड पकौड़े लियो बहुत खाने ऑन कर रहा था आज मेरा, तो भाई लेके क्या आया भाई चाउमीन
बात करो। क्यों नहीं मिला? थस्सा देगा, देख रहे हो, मतलब उसकी दुकान थोड़ी सी दूर है ना, इसलिए जाने में बंदे ने यहीं से पास में चौंक लिया और कह रहा है कि चौंको नहीं मिली। ठीक है, थोड़ा आवाज ही नहीं, नाम सुने ही होगा। विक्की डोंट कैट चीज, क्रेजी अतुल, हर लड़कियों की जुबान पे है मेरा नाम, तेरा नाम लिख दिया मैंने। तो भाई ना, तुम अभी भाई सच बोलो ना, पैसा कमाना बस जिंदगी में एक फोकस रखो, पैसा कमाओ चाहे कैसे भी कमाओ, क्योंकि जब पैसा आएगा ना तुम पे शोहरत आएगी, यार भी आएगा, प्यार भी आएगा। और जो दुनिया कहते हैं ना कि भाई पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, इंसानियत नहीं खरीदी जा सकती, इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, भाई पैसों से नीचे धरती पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना तुम खरीद पाओ। क्योंकि देखो जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, क्योंकि ना ये दुनिया है ना जो भाई ये उगते हुए सूरज को सलाम ठोकती है, जब तुम पे पैसा आएगा ना तो भाई तुम पे इज्जत भी आएगी, प्यार भी आएगा, तुम गलत बात भी कहोगे ना तब भी बंदों को सही लगेगी, क्योंकि तुम पे पैसे हैं, पैसों की पावर इतनी तगड़ी है इस दुनिया में, समझे? तो मेन चीज फोकस रखो पैसे कमाने में, ये प्यार व्यार छोड़ो, इतनी सी लाइफ, लाइफ इतनी बड़ी है ना भाई, पूरे एंजॉय करो, लाइफ बहुत सुंदर है, बस लड़की के चक्कर में कुछ बंदे तबाह कर लेते हैं, भाई एंजॉय लो, हमने भी धोखे खाए, हमने भी दोगले यार देखे, लेकिन नहीं, हम भी इंजॉय लेते हैं भाई। भाई मेन चीज ना अपनी फैमिली को आगे रखना, मतलब ना तुम अपनी फैमिली का हमेशा माँ बाप का ख्याल रखना, बहन भाई का ख्याल रखना, जो भी जैसा होगी भाई उसके साथ वैसे ही करना, और लेकिन अपनी फैमिली का जरूर ख्याल रखना, और पैसा कमाओ, इंजॉय लो लाइफ के, जैसे कि हम लेंगे और लेते रहेंगे, और भोलेनाथ की कृपा रही तो बहुत आगे भी लेंगे, समझे? इंजॉय, ठीक है, समझ लो, समझने वाले बंदे समझ जाएंगे, और ना समझ वाले वो साले लीचड़ी हैं, नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलो, आई होप आप लोगों ने आज तक व्लॉग देख ही लिया होगा, तो भाई व्लॉग को बिना लाइक करे मत जाना, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो भाइयों आज का प्रैंक तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार बड़ा तगड़ा प्रैंक करने वाला हूँ, जब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आपसे जल्दी अगले व्लॉग में। ठीक है, बाय, टेक केयर।